नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 जून शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी टिकट वितरण को लेकर आक्रोश भड़क गया है। शनिवार को वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार शंकर परमार और उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के उज्जैन चुनाव के प्रभारी बाला बच्चन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर बट्टुक शंकर जोशी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और महापौर प्रत्याशी महेश परमार पर टिकट बेचने और भाजपा से मिली भगत का आरोप जड़ दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का पुतला भी फूंका। युवा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी सड़क पर आकर संघर्ष करने और युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। उज्जैन के शीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पुतला फूंका। कार्यकर्ता शनिवार शाम 4:30 बजे के लगभग कांग्रेस मुर्दाबाद, बाला बच्चन, रवि भदौरिया, बटुक शंकर जोशी, महेश परमार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जोशी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया और महापौर प्रत्याशी महेश परमार पर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के टिकटों को लेकर हेराफेरी और सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। बबलू खिंची ने बताया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्षों से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 से योगी उम्मीदवार के तौर पर शंकर परमार का टिकट पक्का किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में यहां से मेघा निलेश खुले को टिकट देकर कांग्रेस ने सौदेबाजी कर ली। यूथ कांग्रेस के अनुसार ऊपरी स्तर पर ही टिकटों की बंदर बांट हो गई है और जो जमीनी कार्यकर्ता योग्य उम्मीदवार है उनके हाथ नाकामी लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। नेताओं ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और महापौर प्रत्याशियों का जमकर विरोध किया जाएगा। शंकर परमार ने कहा कि पहले उनका टिकट पक्का होने की जानकारी दी गई, बाद में बटुक शंकर जोशी ने फोन करके कहा कि चुनाव तुम जीत नहीं पाओगे। परमार ने कहा कि भाजपा से मिलीभगत करके उनका टिकट काटा गया है ताकि कलावती यादव को जिताया जा सके। इधर वार्ड नंबर 44 से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी मोनिका महेश परमार को लेकर स्थानीय दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया। कमल सोलंकी के नेतृत्व में दावेदारों ने मीडिया को बताया कि मोनिका परमार के लिए एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। पिछले नगर निगम चुनाव में मोनिका और उनके पति ने भाजपा प्रत्याशी अशोक बगड़ावत के लिए काम किया था। केवल विधायक महेश परमार का खास होने के कारण मोनिका को टिकट दिया गया है। सोलंकी ने बताया कि वार्ड 40 से ममता राजेंद्र मर्मठ, पूजा राजेश मालवी, संगीता योगेश सोलंकी, उषा संतोष मालवी, सीमा जगदीश मालवी, निर्मला रवि बोडाना, मीनू लेखराज राजोरिया, पेमल हजारीलाल चावंड और अनीता शंकरलाल मालवीय दावेदार थे। इनमें से किसी का भी टिकट नहीं देकर मोनिका महेश परमार को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता मोनिका के लिए काम नहीं करेंगे और इसका असर महापौर चुनाव में भी दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, हम इलेक्टेड लोग हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस और ITCL के अध्यक्षों को टिकट की अनदेखी की और ये टिकट में बंदर बांट करी है। बाला बच्चन जी ने टिकट और रवि भदौरिया ने मिलकर टिकट बेच दी है सारे उज्जैन के। हम लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, ABP युवा मोर्चा सरकार से लड़ते हैं। ये मीडिया के माध्यम से किसी से अछूता नहीं है। एकमात्र पार्षद की टिकट मानता, मेरे वार्ड क्रमांक 34 में बाला बच्चन जी को टिकट चाहिए, अशोक भाटी जी को टिकट चाहिए। अशोक भाटी जी अपने वार्ड 10 नंबर से कभी टिकट चुनाव नहीं जीता पाए और कुंदन माली 5 बाल का फेल है, 5 ही फेल है। मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, वो 5 ही फेल है। घर से उठ के आया, उनने पहले दिन पूरा वार्ड में बोल दिया टिकट मेरे जेब में रखी है, क्या दारू मटन से टिकट बिकेगी? यही राहुल गांधी की कांग्रेस है। हम जैसे युवाओं का शोषण हो रहा, सुनने वाला कोई नहीं। बाला बच्चन ने बोल दिया कि यार टिकट तो हम देंगे, किसको? अशोक भाटी को। और शेर कांग्रेस अनगिनत टिकट बिक गए है कहीं पे, निर्दलीय जो लड़ लिया उनको भी टिकट दिया जा रही है। कुंदन माली 5 बार का, कब तक युवा का कब तक गला घोटेंगे? इलेक्टेड लोग हैं जिनके पैसे खर्चा करवाते। हम यूथ कांग्रेस जीते, हम NSUI जीते, हम ITCL जीते, हमारा क्या एक भी युवाओं को टिकट नहीं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया, मेरी बात सुनो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया कहना है कि हमारी सुनी नहीं जा रही कमलनाथ द्वारा, और हमारे
हमारे प्रदेश की प्रभारी इसी तरह चढ़ा के हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो ऐसे कैसे कांग्रेस चलेगी साहब? क्या ये बड़े लोग अपने घर में बैठ के टिकट बांट लेंगे? आप कांग्रेस के लिए प्रचार करोगे आने वाले दिनों में कि नहीं करोगे, क्या करोगे? हम तो विरोध करेंगे साहब। जेल में आप लोगों की टिकटें काटी है डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, रही भदौरिया और महेश परमार जी। कल तक बटुक शंकर जोशी ने परसों मुझे खुद ने फोन करके बोला, भाई तेरी तैयारी कर ले, फॉर्म डाल दे, तेरा टिकट हो गया है। मेरा वार्ड क्रमांक 15 से मात्र एक नाम था, एक था एसटीएससी का, उसको बाहर करके मेरा नाम फाइनल कर दिया था। बाकी बटुक जी ने कल क्या करा, महेश परमार के द्वारा मोहन यादव की बहन वहां से सभापति बनने वाली है, मेरे वार्ड से छठी बार चुनाव लड़ रही है, तो उसके सामने हल्का कैंडिडेट उठाना था जो कि ऑटो रिक्शा चलाता बेचारा, उसको कोई जानकारी नहीं, उसको उतार दिया। महेश परमार जी रात को उसके घर 2 बजे में गया, बाकी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, सुबह उठा के मेरे से बोलता बिहार मैं तेरा टिकट वापसी करवा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे पेड़ पर, तो महेश का कहना था ये। उसके बाद बटू शंकर जोशी बोलता है कि भैया यार मैं, तू मेरा घर का व्यक्ति है, तू हार जाएगा, पैसा पर लग जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, तू मत लड़ो उसके सामने। मैंने पिछली बार भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। अरे बोले यार भैया यार बस समझ तू मेरी बात। विरोध ये है कि मैं तो निर्दलीय लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध करता हूँ। विरोध करोगे आप? मैं तो सारे महापौर पार्षद और शहर अध्यक्ष के और मेरी रजक समाज है, मेरी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ निर्वाचित, रजक समाज का। मेरी उज्जैन में 30,000 वोट है, महेश परमार को एक वोट नहीं मिलने वाला। हमारे द्वारा शहर अध्यक्ष को और महापौर प्रत्याशी महेश परमार जी को एक लिस्ट दी गई थी, जिसमें कि 9 नाम थे जो स्थानीय कार्यकर्ता थे। हमारे द्वारा ये मांग की गई थी कि इन्हीं में से किसी एक को टिकट दिया जाए, या अभी की स्थिति में एक को, किसी एक को भी फॉर्म दिया जाए। वो वार्ड का स्थायी निवासी नहीं है, बाहरी है, कुछ साल हुए उनको। कल तक जो भाजपा के झंडे उठाते थे, आज कांग्रेस में पट्टावाद के दम पे उनका नाम घोषित हुआ है। हम सभी वार्डवासी प्रत्याशी और कार्यकर्ता फुल जोर विरोध करते हैं। अगर बड़े नेताओं द्वारा उनकी मनमानी की गई तो वार्ड 40 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम चुनाव के नामांकन भरने के अंतिम दिन प्रशासनिक संकुल में भारी भीड़ रही। भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और आपके महापौर उम्मीदवार संतोष वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा हमेशा की ही तरह पूरी तरह एकजुट नजर आई और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा खुद फॉर्म दाखिल कराने पहुंचे। शनिवार को मुकेश टटवाल, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया के साथ प्रशासनिक संकुल पहुंचे। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे के समक्ष नामांकन दाखिल किया। बिखरी कांग्रेस की तुलना में भाजपा एकता के सूत्र में बंधी दिखाई दी और हर बड़े नेता ने शिरकत की, जबकि महेश परमार चंद समर्थकों के साथ फॉर्म भरने गए थे। आपके महापौर प्रत्याशी संतोष वर्मा ने भी जिला प्रभारी युवराज सिंह की मौजूदगी में फॉर्म दाखिल किया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुकेश टटवाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा के डबल इंजन सरकार विकास के काम कर रही है, इसमें अब अगर नगर सरकार का ट्रिपल इंजन भी जुड़ जाएगा तो और बेहतरीन काम होंगे। उज्जैन विकास के करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। भाजपा हमेशा विकास का काम करती है और मैं उसे और आगे बढ़ाऊंगा। भारत में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए के कार्य निरंतर हो रहे हैं। हमारे उज्जैन भी इसी के अंतर्गत सारे कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और शिवराज जी के द्वारा भी हमारे उज्जैन के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनी हुई है और आज हमारा उज्जैन सारे राष्ट्रीय मार्गों से जुड़ गया है। इसके कारण से हमारे उज्जैन में कहीं से भी दुनिया भर से लोग आसानी से आ सकते हैं और नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे जो दायित्व दिया गया है, उस दायित्व का फॉर्म भरने के लिए बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करके मैंने फॉर्म जमा किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास के कार्य करती है, मैं भी उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी डबल इंजन की सरकार तो पहले से ही है और जब नगर में सरकार बन जाएगी तो एक और इंजन उसमें जुड़ जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार उज्जैन नगर का विकास करेगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के बाद आप प्रत्याशी संतोष वर्मा ने भी मीडिया से बात की। वर्मा ने कहा कि वह दिल्ली का मॉडल उज्जैन में लागू करेंगे। फिलहाल महापौर के 3 प्रत्याशियों में मैं ही सबसे भारी हूं। वर्मा ने बताया कि आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और यदि महापौर चुने जाते हैं तो हमेशा शहर के लोगों के साथ रहकर शहर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। दिल्ली मॉडल के हिसाब से अगर उज्जैन शहर की जनता हमें इस लायक समझती है और हम जीत के आते हैं
तो जो दिल्ली में काम हो रहा है वो उज्जैन में होगा। उज्जैन में शायद मैंने जितने काम किए हैं नगर निगम में लोगों के विकास के, बगैर किसी पद पे, उज्जैन शहर की जनता ये बात जानती है, समझती है, वो मेरा साथ देंगे, हम उनका देंगे, और आगे आने वाले सिंहस्थ में भी आम आदमी पार्टी जो देश हित में काम करती है वो उज्जैन शहर में करेंगे। आपके अगेंस्ट भाजपा और कांग्रेस दोनों के मजबूत प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके से आप टकराव देखते हैं, क्या अभी मानते हैं? व्यक्तिगत तौर पर तो सबसे ज़्यादा मजबूत मैं हूँ वजन में भी। आपके जिला प्रभारी युवराज सिंह ने बताया कि हमने उज्जैन को साफ एवं स्वच्छ छवि वाला उम्मीदवार बतौर महापौर दिया है। उज्जैन को लेकर आपका विजन एकदम साफ है, हम उज्जैन को सफाई में नंबर वन पर लाएंगे, हम शिप्रा को शुद्ध करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि उज्जैन की जनता आपकी आवाज़ सुनेगी और आप प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे। किस तरह का विजन आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि क्या आप देखिए, आज हमने उज्जैन महापौर पद के प्रत्याशी के लिए श्री संतोष वर्मा जी के रूप में उज्जैन को एक स्वच्छ और साफ छवि वाला व्यक्ति दिया है। उज्जैन में भ्रष्टाचार चरम पर है, मैं उज्जैन में आ रहा हूँ तो लगभग हर जगह सड़कें खुदी हुई है, गंदगी पसरी हुई है, उज्जैन में ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्याएँ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उज्जैन की जनता श्री संतोष वर्मा जैसे समाजसेवी व्यक्ति को चुनेगी और इस नगरीय निकाय चुनाव में उनको सेवा करने का मौका जरूर देगी। नागदा नगर पालिका अध्यक्ष का पद हासिल करने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत परिवार ने नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन फिर तिकड़म लगा दी। अध्यक्ष पद के लिए पोत्र वधु दिव्या देवेंद्र गहलोत की कम उम्र को देखते हुए गहलोत परिवार से श्रीमती संतोष गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि उन्हें भाजपा की तरफ से फॉर्म भी नहीं दिया गया, ये एक दो दिन में मिलने की संभावना है। दरअसल नागदा नगर पालिका का अध्यक्ष पद इस बार अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। भाजपा की सक्रिय राजनीति से दूर किए जा चुके थावरचंद गहलोत यह पद अपने परिवार के पास देखना चाहते हैं। इसके लिए उनकी पोत्रवधु दिव्या देवेंद्र गहलोत को वार्ड नंबर 3 से भाजपा का टिकट दिलाया गया था। यह वार्ड अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए आरक्षित है। गहलोत परिवार को उम्मीद थी कि दिव्या चुनाव जीतेगी और अप्रत्यक्ष प्रणाली से उसे अध्यक्ष चुनवा लिया जाएगा, लेकिन उनके इस प्रयासों में दिव्या की उम्र बाधा बन गई है। दिव्या की उम्र 21 साल है और अध्यक्ष चुने जाने के लिए 25 की उम्र होना अनिवार्य है। ऐसे में थावरचंद गहलोत के चचेरे भाई ओपी गहलोत की पत्नी संतोष गहलोत का फॉर्म दाखिल कराया गया। खुद थावरचंद गहलोत की पत्नी अनीता गहलोत फॉर्म जमा करवाने पहुंची। हालांकि भाजपा की तरफ से शनिवार शाम फॉर्म भरे जाने तक संतोष गहलोत को पार्टी का बी फॉर्म नहीं दिया गया था। बगैर बी फॉर्म के वह भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी नहीं मानी जाएगी। यह फॉर्म अगले 2 दिन में दाखिल किया जा सकता है। बहरहाल यह माना जा रहा है कि संतोष गहलोत को चुनाव जितवा कर अध्यक्ष की कुर्सी को अपने पास रखने की कोशिश गहलोत परिवार कर रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को उज्जैन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए नियुक्त प्रेक्षक सीबी सिंह ने परीक्षा की तैयारियों की शनिवार को समीक्षा ली। लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। केंद्रों पर परीक्षा की तैयारियों के संबंध में शनिवार को NIC कक्ष में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रेक्षक सीबी सिंह ने समीक्षा बैठक ली। सिंह ने परीक्षा केंद्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने, परीक्षार्थियों के सामान के लिए लॉकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। परीक्षा के दोनों सत्रों में अलग अलग स्टाफ को अलग अलग कमरों में ड्यूटी लगाने और स्टाफ की ब्रीफिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर काले बॉल पॉइंट पेन को अवश्य रखने का कहा है, ताकि यदि गलती से कोई परीक्षार्थी पेन लाना भूल गया तो उसे उपलब्ध करा दिया जाए। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक, तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मसों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट, तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक अभिषेक नगर वैभव गार्डन के पास नाना खेड़ा उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। उज्जैन रतलाम रेलवे ट्रैक पर एक युवक की शुक्रवार को ट्रेन से कटने से पर मौत हो गई। शनिवार को परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। दरअसल शिप्रा ब्रिज के डाउन लाइन पर लाल पुल के पास ट्रेन से युवक की कटने के कारण मौत हुई थी। महाकाल पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी थी। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया। युवक की शिनाख्त बंगाली कॉलोनी निवासी मयंक सिंह पिता मनोहर राठौर उम्र 25 साल के तौर पर हुई।
मयंक दवा बाजार में मेडिकल स्टोर पर काम करता था। वह रेल से कटा या यह हादसा था, पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को 3 बजे पुलिस घर पे आई थी और हमने बताया कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी लाल पुल पे लाश मिली है ट्रेन से कट के, और किस वजह से कटी वो पता नहीं है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। क्या उम्र थी, क्या नाम था उनका? इसकी उम्र 25 साल थी, मयंक सिंह राठौर का नाम। कहाँ के निवासी? शास्त्री नगर उज्जैन। क्या काम करते हैं? ये दवा के उसमें करता था, दवा बाजार में। दवाई बाजार में काम? हाँ, दवा बाजार। किन की दुकान था? पहले महेश्वरी में था अभी, लेकिन अब मार्केटिंग में चले गया था। वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों से परेशान भाट पछलाना पुलिस को 3 सदस्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। इनसे 2 लाख रुपए मूल्य की 5 बाइक बरामद की गई है। दरअसल बर्थुन गांव से आख्या खोली के समर्थ चर्मकार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह वारदात बड़ा गांव के 2 लोगों ने की है। पुलिस ने जब दोनों को उठाया तो उन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया। इनके पास से पुलिस को 3 और मोटरसाइकिलें मिली है। इसी तरह बड़गांव के ही एक अन्य आरोपी से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत 2 लाख रुपए बताई है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। शनिवार को बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर ने साफ किया कि किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की स्थिति नहीं बननी चाहिए। निर्वाचन प्रेक्षक दीपी तिवारी ने शनिवार को सर्किट हाउस के गंभीर कक्ष में निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों से निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कलेक्टरेट में नगर पालिका निगम के लिए भरे जा रहे नाम निर्देशन केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा नगर पालिका निगम उज्जैन, नगर पालिका परिषद बड़नगर, महितपुर, खाचरोद, नागदा और नगर परिषद तराना, माकरोन, उन्हेल के नाम निर्देशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। स्ट्रांग रूम मतगणना एवं सारणीयन कार्य के लिए 2 स्थलों में परिवर्तन किया गया है। इसमें पूर्व प्रस्तावित स्थल सीएम राइज स्कूल घटिया के स्थान पर नवीन स्थल स्वर्गीय श्री नागुलाल मालवीय शासकीय महाविद्यालय घटिया और सीएम राइज स्कूल खाचरोद के स्थान पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र नागदा रोड खाचरोद का चयन किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के तहत न्यूनतम 2-2 आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां निरंतर जारी है। सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे ने बताया कि जनपद पंचायतों में शपथ ग्रहण करवाई गई है, दीवारों पर लेखन करवाया गया है। मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दल गठित कर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत कार्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जा रही है। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।